हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस, ये मिला आपके भाई को बिल्कुल फ्री फंड में। हाँ गाइस, यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन भाई से बिल्कुल फ्री में मिला है, बिल्कुल फ्री में। मेरे को गाइस कोई भी पैसा नहीं देना पड़ा, बस गाइस मैं फर्नीचर बन के गया था। मैं कह रहा था भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे, तो उसने भाई साहब मेरे को ये ब्लूटूथ स्पीकर दे दिया। ठीक है भाई, इस पर भजन वजन सुना करेंगे, लेकिन भाई साहब मेरे को नहीं पता भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो भाई मेरे से कह रहे थे कि भाई ये खराब है, नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई साहब खराब ही तो चाहिए मेरे को, ठीक का मैं क्या करूंगा, खराब का तो मैं कुछ करूंगा। पता नहीं भाई ये चालू है नहीं है, देखो उसकी भाई कंडीशन देखो, देखो कितना गंदा है बेचारा। और भाई पहले मैं एक लेकर आया था ऐसा, लेकिन भाई वो अमन भाई का था और उसमें मुझे बैटरी अपग्रेड करनी थी, वो ब्लैक कलर का था। ठीक है, चले भाई साहब देखते हैं बॉस क्या हम कर सकते हैं इसका। वैसे भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है, इसे कहते हैं भाई साहब सड़ी गर्मी शायद। हालत खराब है, देखो बस पसीने देखो भाई, पसीने आपको दिखाई दे रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। देखिए भाई साहब ये गर्मी बहुत यार। खैर हाँ, ये थर्ड फ्लोर है गाइस, हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो भाई मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसी लाने में, तो बड़ी मुश्किल से भाई ऐसी चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो भाई खोल के देखेंगे कि इसके अंदर हमें फ्री फंड में क्या क्या मिला है। एक्चुअली गाइस बात यह है कि भाई गाड़ी जो ना, मतलब गाइस जो कबाड़े वाली गाड़ी होती है उसको लोड हो रही थी, यानी गाइस सारा कबाड़ा भाई जा रहा था, तो भाई वहां पे मेरे को मिल गया। ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा था, तो भाई साहब मैं कह रहा हाँ अंकल जी इसके कितने रुपए देने हैं। कह लगे नहीं बेटा ऐसे तो फ्री लेगा खराब। मैं कहा ठीक है, क्या करोगे, मैं खराब कर कुछ करूंगा। सारी स्टोरी गाइस मैंने आपको बता दी है, चलो भाई साहब फटाफट से खोल के देखते हैं तेरी। यार जब से नाखून काटे है ना, हर चीज भाई हैवी हो रही है आपके भाई पर, नखून काटने के बाद। अभी एक बार नखून बन दे तो इनकी माँ का साग ना कर दूंगा और कुछ और। ओ ये तो पहली खिलावा, वाह आई थिंक इसे पानी में डुबो डुबो को मारा है जितने मारा है। ये भाई साहब खुलेगा कैसे, ये हाथ से खुलेगा क्या, मिल गए दो स्क्रूज के अंदर है भाई। हाँ लेकिन भाई साहब ये खुलेगा कैसे, काटना पड़ेगा मेरे को, तो भाई मेरे को काटना ही पड़ेगा, उसका कवनी मेरे को तरना पड़ेगा। यार पहले ऐसा तो नहीं था, देखो भाई ये पूरा भाई कपड़ा यहाँ पे चिपका हुआ है, देखो कपड़ा मेरे को हटाना पड़ेगा। ये रहा भाई साहब, वाह वाह क्या टेक्नोलॉजी से खोलना पड़ रहा भाई से, ये लो भाई साहब भाई फिर स्क्रू आ गए। चलो भाई फटाफट खोलता हूँ भाई साहब, बस भाई स्क्रू कम थे। वाओ ओ भाई फ्री का माल, कितना अच्छा लग रहा है। ओ हो इसके अंदर गाइस बीएमएस है क्या, नहीं भाई इसमें बीएमएस नहीं है। देखो भाई आपको दिल के बात बताऊं भाई, ये चले बेशक ना, लेकिन भाई फ्री में जो मेरे को माल मिला है ना भाई, बस भाई आपको क्या बताऊं भाई मजा ही आ गया। इसमें चार्जिंग सिस्टम जो ना उसका निकला हुआ है, आई थिंक ये चार्जिंग का ही सिस्टम इन्होंने कर रखा। हाँ भाई ये चार्जिंग जैक इसका उखड़ा पड़ा बिल्कुल, इसका चार्जिंग सॉकेट क्या मट्टी पलीत है। और भाई इसमें माइक्रो यूएसबी टाइप सॉकेट होगा, ठीक है, और बैटरी इसकी बिल्कुल खत्म होगी। बैटरी एक बार चेक कर लेते हैं, बैटरी में गाइस बिल्कुल भी जान इसकी नहीं है, बिल्कुल खत्म बैटरी है, कोई जान मन नहीं है। लीजिए भाई साहब इसमें किसी भी तरह का पीएमएस नहीं है, 18650 इसमें बैटरी लग रही है। ये इसका रेड वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, हम अपनी बैटरी लगा चेक करते हैं। अपने का मतलब अपनी बैटरी नहीं, लैपटॉप वाली 18650 बैटरी। देखो भाई साहब ये है भैया, देखो इस पर लिखा है, इतनी ब्रांडेड भाई ये बैटरी है कि नंगी होने के बाद भाई साहब इस पर लिखा है 18650, अच्छी बैटरी है। अब भाई ये कि अच्छी तो है लेकिन खराब तो नहीं है। नहीं भाई ये 4.09 वोल्ट, यानी गाइस ये लगभग 80-90% चार्ज है। तो भाई लाग हम चेक करेंगे कि भाई साहब ये चल रहा है नहीं चल रहा। स्पीकर आप देखो, स्पीकर भाई बूफर में स्पीकर ठीक है, एक स्पीकर ये रहा वैसे एक स्पीकर ये, स्पीकर दोनों ठीक है। थोड़ी सी भाई हालत इनकी नाजुक हो गई है। लो भाई कुछ बिगड़ा इनका बताइए, और इसकी कंडीशन ठीक कर देते हैं थोड़ी सी, देखो कितना गंदा हो रहा है। अब बताओ देखो कितना साफ कर नया देंगे भैया, चले तो ठीक है। आवाज तो आई अभी, मतलब भाई आवाज तो आई, ढूंढ जैसी बटन वटन से कुछ हुआ था ना से? नहीं भाई पावर का इसमें बटन दबा के देख रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ गर्म हो रहा है क्या भाई, ये क्या गर्म हो रहा। ओहो हो ये वाली आईसी गर्म हो रही है बॉस, रुक जाओ मेरे ऐसे तुम्हारी बार निकाल देता हूँ। कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी तो नहीं है इसकी, चार्जिंग मॉड्यूल वाली आईसी देखने जरा कौन सी आईसी है ये। नहीं भाई ये चार्जिंग वाली आईसी नहीं है, 12-18 नहीं भाई साहब ये चार्ज वाली आईसी नहीं है। देखो आवाज आएगी भाई, भाई एक बार मैं मोबाइल लेकर आता हूँ जिससे भाई हम क्या पता भाई ये ब्लूटूथ मतलब पकड़ ले किसी तरीके से, और भाई मैं कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये खराब है। स्पीकर तो ठीक है भाई बिल्कुल, बात तो गारंटी है। ये है पापा सेंगो नहीं, कुडंट कनेक्ट। नहीं भाई साहब ये तो है नहीं इसका पक्का, भाई ये किससे कनेक्ट हो गया भाई, नहीं हो रहा कुडंट कनेक्ट। और भाई एक धीमी धीमी बहुत अच्छी सी जलने की स्मेल आ रही है, यही जल रहा है बॉस। मैं आपको एक बार इसकी जो नहीं दिखाता, ये भी एक लोगों ने देखी, देखिए भाई साहब ये जल रहा है, देखो भाई ये देखो ये
भाई ये गर्म हो रही है काफी मस्त तरीके से। तो भाई ये जो बोर्ड है आई एम सॉरी इसका बोर्ड है कुछ नहीं हो सकता, ये भी कुडंट करेक्ट दिखा रहा, खैर दफा करो। तो भाई साहब ये बोर्ड खराब है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम इसमें अपना बोर्ड लगा सकते हैं, इसे निकाल दें पहले। तो भाई ये तो है भैया खराब और इसकी बैटरी मैंने कहाँ रख दी, एक बार भाई इसकी बैटरी में चेक कर लेता हूँ, क्या पता गाइस इसकी बैटरी मतलब चार्ज तो नहीं है, मतलब खराब ना हो, क्या पता गाइस इसे चार्ज ना हो, खराब तो मेरे को नहीं लग रही है, एक बार इसे चार्ज करके देख लेते हैं। नहीं भाई बैटरी ही ये खराब है, बैटरी भाई बिल्कुल खत्म है, जबकि भाई हमारी जो बैटरी है दूसरी वाली, हाँ देखो ठीक है ये बैटरी का चार्ज हो रही है। तो भाई साहब जो लोग समझदार होते हैं वो एक चीज को ज्यादा टाइम नहीं देते, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। देखो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये भी एक किट जो इसका बोर्ड है, मतलब ये भाई किसी का बोर्ड जो भाई खराब है, और भाई साहब ये हीटअप हो रहा है ना गाइस, कहीं ना कहीं भाई शॉर्टिंग है, ठीक है तो भाई इसका यूज हम करेंगे क्या, ठीक है। तो भाई साहब हमने अपने ही बना लिया है जिससे गाइस हम इनकी स्पीकर क्वालिटी भी चेक कर सके, स्पीकर काफी मस्त है, काफी अच्छी मैग्नेट है और 3 वाट लग रहे हैं, 3 वाट ही है, देखो भाई मैंने झाक लिया है। तो फटाफट भाई से लगाते हैं, बजा के भी देखेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्त, और यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह की तरह जैसे, चलो भाई ले लेते हैं ठीक है, नहीं ले लेंगे भाई, बस भाई साहब मैं इसे कर देता हूँ बंद। अब गाइस काफी लोगों ने समझ भाई इसके अंदर बैटरी नहीं लगा के, यार बैटरी का ऑप्शन दिया तो रखा, चलो भाई इसके अंदर लगा देते हैं ठीक है, लेकिन भाई स्विच हम बाहर लगाएंगे। तो भाई ये वाला स्विच कनेक्शन कर देते हैं इसके भी, ये भैया स्विच इसका निकलो, यहाँ सब चीज भाई बाहर निकलो। मैं इसमें एक चीज भूल गया, बताओ गाइस मैं इसमें क्या भूल गया, कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट ठीक है। ओ इस पर गाइस कपड़े पहनाते हैं अभी फिलहाल, ये कैसे थे इसके कपड़े, अब यार कपड़े पहनना भाई बड़ा भारी काम है इसमें, चलो भाई इतना भारी भी नहीं, इतना मैं सोच रहा था, वाह कपड़े चढ़ाए। गाइस फाइनल भाई ये हो गया है कंप्लीट ठीक है, अब गाइस फटाफट भाई चला के देखते हैं एक बार कि भाई साउंड क्वालिटी कैसी है। तो भाई लोगो सफाई हो गई है और चले भाई इसे चालू देखते हैं, जैसे गाइस ये कबाड़ा था कबाड़ा है कबाड़ा ही रहेगा, तो गाइस थोड़ा स्पेशल किससे चलेगा स्क्रू ड्राइवर से, इसे चलाना गाइस हर किसी के बस की बात नहीं है। ये रहा भैया स्विच, नहीं दिखाई दे रहा, देखो भाई ये रहा भैया स्विच दिख गया, और आवाज तो भारी गई, लगता है मेरा ब्लूटूथ ऑन है, हाँ मैंने भाई ऑन किया था तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। चलो भाई कोई गाना चला के देखते हैं धाम लो, जिससे गाइस आवाज फटे, आवाज फटने की बात ये है, आवाज फटनी भी चाहिए, हाँ सही है आवाज फटे, भाई मेरे समझ में हंसी और भाई क्या हो गया भाई, इतनी बुरी आवाज थोड़ी होकर आया, मतलब भाई इतनी बेकार साउंड होते हैं क्या, मैंने भाई जिंदगी पहले में इतने कवाड़ा और बकवास घटिया क्या कहूँ, मतलब सारे लाइन समझ भी नहीं मेरे। तो भाई इतने बकवास साउंड गाइस मैंने आज तक भाई अपनी जिंदगी में नहीं सुने जितने गाइस बकवास आज मेरे को सुनने पड़ रहे हैं। तो भाई इसमें स्पीकर ही नहीं ये सब चीज बेकार, मत लेकर आना भाई सर, जहाँ मिलेगा इस उठाकर फेंक आना, और आप घर में इसे भी देकर आना, भाई दे रख ले कबाड़े के जाके, दूसरा गाना मतलब हाई बेस गाने चला रहा भाई, मेन चीज है प्लेन गाने में चला के देखूंगा, फोन पर लगने का इशू रहता है, देखो बेच देखो भाई तुम भाड़ के भाई बाहर निकल जाएगा पजामा, आवाज फुल कर दू और पटेगी थोड़ी है वाह
भाई साहब खाली सर में ही दर्द मेरे नहीं हो रहा है, जहाँ आप सोच रहे हो वहाँ भी हो रहा है। मैं इसे उठा के लेकर आया भाई, यकीन मानिए मैं इसे बिल्कुल आपके सामने अभी फेंकता, लेकिन भाई साहब मैं इसे वहीं फेंका हूँ कमाड़ वाले भैया के पास। मैं कहा भाई साहब आपने बिल्कुल सच कहा था, ये बेकार है भाई। मतलब भाई अपना जो बोर्ड लगाने के बाद भी इसमें अच्छी आवाज नहीं आई। पैम 84.03 का मैंने क्लास डी वाला इसमें बोर्ड लगाया है और ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है भाई साहब। 28 बैटरी लगे जो की चार्ज है, ऐसी बात नहीं है कि लुल्लू से चार्ज है, चार्ज है बहुत। फिर भाई आवाज फटने की बड़े मजे क्या आता है। चलो एक बार आवाज चमक देख लेते हैं। नहीं देखो भाई ऐसे साउंड पर कोई थूके भी ना भाई, यकीन मानिए डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। आई एम सॉरी गाइस, मैंने आपको भाई ये चला के दिखाया भाई, मेरी गलती होगी, प्लीज दोस्तों माफ करना, बंद करते थे इसे। इसलिए भाई साहब यही वजह है जो मैंने स्विच इसके अंदर लगाया, जो भाई आदमी इसे चालू करने से पहले 100 बार सोचे भाई इसमें स्विच इतनी अंदर क्यों लग रहा है। इसमें गाइस मैंने चार्ज मॉड्यूल क्यों नहीं लगाया, यही भाई सबसे बड़ी वजह है भाई क्यों नहीं लगाया। इसके साउंड भाई साहब अच्छे साउंड गाइस आपने जिंदगी बहुत सुनोगे, कभी खराब साउंड सुने हैं सुन लो। तो भाई साहब मैं तो आज अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब हर चीज सोना नहीं होती, मतलब हर चीज सोना नहीं होती, कबाड़ में लाने हर चीज अच्छी नहीं होती। चलो खैर गाइस मेहनत करी मैंने बॉस, लाइक मार दो। और भाई आपको बेशक बेकार एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन भाई सब कभी कभी बेकार एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे में सीख देता है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।